हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का सोबित का इलेक्शन ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में आपको यहाँ बंगाल से दार्जिलिंग का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। बाकी जो आज वीडियो है आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो अभी आपको दार्जिलिंग तक का पूरा रास्ता दिखाता हूँ गाइस। ये जो आप मार्केट देख रहे हो, ये मार्केट है आपके वेस्ट बंगाल पानागढ़ में। यहाँ पे गाड़ियों की कटिंग होती है, तो आपको छोटी से बड़ी गाड़ी किसी भी गाड़ी का पार्ट्स वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, मैं अपनी छुप छुप का वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से वर्धमान जाऊँगा। और देखो, ये सुबह सुबह स्टेशन का नज़ारा है। और ये देखो, धूप निकल आई। तो मुझे ट्रेन मिल चुकी है। और देखो, मैं ऐसे बैठा हूँ, सीट पूरी खाली है और दूर दूर तक का कोई भी मिल नहीं। तो ये भैया हैं, भैया नाम बता दीजिए। खोलसी भैया हैं, जो कि हमको 3 किलोमीटर की लिफ्ट। तो मैं अभी वेस्ट बंगाल में घूम रहा हूँ और कोई आपसे नहीं, तो मैं अभी गलियों में घूम रहा हूँ। देखो कैसे नज़ारा है, एकदम मस्त नज़ारा है गाइज। आगे जो आप पुल देखने वाले हो तारों का, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये पुल इस बंगाल का कहते हैं एशिया का सबसे रेलवे का सबसे बड़ा पुल है, जो कि काफ़ी यूनिक और तारों से बंधा हुआ है, जो आप लोग टीवी वगैरह में देखते हो। आज वो मैं आपको सामने वीडियो से दिखा रहा हूँ। तो कैसा लगा ये पुल, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं बंगाल में हूँ, तो बंगाल घूम रहा हूँ। गाइस, ये जो भाई साहब हैं, हमको 10 किलोमीटर की जगह 25 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। और इससे पहले जो हमको भाई साहब मिले थे, उन्होंने हमको गलत लोकेशन डाली थी, इसलिए हमने उनका वीडियो नहीं डाला है। कि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही जगह जा रहे थे तो लोग हमें मतलब इधर उधर भटका देते हैं। तो यार, मैं भी थोड़ा बातों में आ गया, इसलिए भटक गया। तो आप लोग जो भी कीजिएगा गाइस। तो हमें नेक्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है, जो कि ये भाई साहब है। भाई साहब, नाम बता दीजिए। कुमार जी, भैया का नाम। कितने किलोमीटर तक छोड़ेंगे हमको? हाँ, यहाँ से आया। हाँ, लगभग 200 किलोमीटर आया। अभी इधर जाएगा 200 किलोमीटर। गाइस, हमको 200 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है। देखो ये, देखो गाइस, हम जा रहे हैं जंगलों के रास्ते। मेरे इधर भी राइट साइड में भी जंगल, लेफ्ट में भी जंगल है। तो फॉरेस्ट का मज़ा लेते हुए, ये देखो जाम में फंस गया। गाइस, बंगाल से सिक्किम जा रहा हूँ। तो मैं ये जो रास्ता आपको देख रहे हो, ये एक्चुअल में पुल बन रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर आ रहे हो तो आप बाई रोड मत आना, क्योंकि रोड आपको देख ही लिया आप लोगों ने कैसा है, रोड बहुत ख़राब है। तो आप ट्रेन से आ जाइएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। गाइस, मैं वेस्ट बंगाल से सिक्किम जा रहा हूँ। तो ये नदी पता नहीं कौन सी है, अगर आप लोग यहीं लोकल के हैं तो आप कमेंट करके बताओ ये नदी कौन सी है। और ये देखो कितना अद्भुत नज़ारा है, एक तरफ पानी तो एक तरफ सूखा पड़ा है। तो ये प्रकृति के नज़ारे हैं। बाकी आप देख रहे हो कैसा, मतलब कितनी बड़ी नदी है, जैसे समुद्र लग रही हो। तो ये नदी कौन सी है कमेंट करके ज़रा बताना यार आप लोग, क्योंकि हमें तो नदी का पता नहीं, तो आप लोग बताइए कौन सी नदी है। गाइस, तो नेक्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है। ये भाई साहब है, भाई साहब नाम बताइए जरा। राजेश भगत। राजेश भैया ने हमको लिफ्ट दी है, आगे 25 किलोमीटर तक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से देखता हूँ डायरेक्ट गाड़ी जाती है। हेलो गाइस, तो अभी शाम को बज रहे हैं 4:30, और मैं अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुँचा, जो कि जाम के कारण मैं लेट हो गया और आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। अभी मैं कलहाटी से 3 किलोमीटर पहले हूँ, तो देखता हूँ आज कितना मैं कवर कर लेता हूँ।
ये देख रहे हो गाइस कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ मोर ग्राम, तो अभी मुझे एक भाई साहब मिल गए थे पेट्रोल पंप के पास, तो मुझे 20 किलोमीटर की लिफ्ट मिली और मैं कम से कम आधे घंटे से चल रहा हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट क्या ही बोलूँ यार, देख रहे हो आप ये हालत है रोड की। ये जबकि हाईवे है ना भैया, ये हाईवे का हाल है बताइए अगर ऐसा रहेगा। दोस्तों तो मुझे ना पेट्रोल पंप से ये भैया मिल गए थे चेहरा सम, हाँ ये आ गया। तो भैया ने मुझे 20 किलोमीटर तक छोड़ दिया था गाइस, मैं जो रास्ता। हे गाइस गुड इवनिंग, आप स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सोबित कलेक्शन ब्लॉग्स में, आपका से स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। तो अभी मैं, ये अंकल जी का लोकल ढाबा है, तो अभी अंकल जी के यहाँ मैं रुका हुआ हूँ अंकल जी से परमिशन भी रुकने के लिए। तो आज आप नहीं रुकता हूँ, बाकी कल सुबह निकलूँगा। तो ये अंकल जी हमारे, अंकल जी से मैंने परमिशन ली है। अंकल जी ये ढाबे का नाम बता दीजिए। महक ढाबा, महक ढाबा, महक ढाबा है। ये कौन सा हाईवे है? 34। ये सिक्किम वाला रोड है ना, सिक्किम जाना है तो सिक्किम का रोड है। तो मैं सिक्किम जाना है मुझे, और काफ़ी रात हो गई, तो मैंने अंकल से परमिशन ले ली है और उनको बताया अपने बारे में, तो उन्होंने परमिशन दे दी रात रुकने के लिए। तो आज ये रात यहीं रुकूंगा, उसके बाद कल निकलता हूँ। तो ये भाई साहब हमारे जो कि यहाँ पर काम करते हैं, चलो मिलते हैं बाद में। तो यहाँ जहाँ पे रुका हूँ अभी अंकल ने मुझे चाय ऑफ़र की है, तो अभी मैं मज़े से चाय पी रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा होता है। सो गाइस रात को बज रहे हैं 8, और देखो ये मेरा रात का खाना है। मैं एक ढाबे में रुका हूँ और यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ। तो साउथ में चावल ज़्यादा खाया जाता है, रोटियाँ कम। तो ये देखो रात का मेरा खाना है, सब्जी अचार है, प्याज टमाटर मिर्चा है और रोटियाँ हैं। ये देखो दिल्ली और मुंबई का मैच चल रहा, और खाना खाने के साथ साथ हमने दिल्ली और मुंबई का मैच का भी आनंद ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो देखो मैं कल रात को यहाँ पे रुका हुआ था, महक ढाबा है। और ये देखो यहाँ का लोकेशन देख लो, कितना खूबसूरत सा है। और ये सामने हाईवे है और मैं यहाँ पे रुका हुआ था। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अपनी शुरुआत हो गई। ये देखो सो गाइस हमें लिफ्ट मिल चुकी है, और ये लिफ्ट हमको मिली है 150 किलोमीटर की। और देखो सुबह की पहली लिफ्ट मिल चुकी है और खूबसूरत सा नज़ारा भी है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देखो सुबह का नज़ारा गाइस, तो अभी निकले नहीं है, बात हो चुकी है। खूबसूरत सा नज़ारा एकदम खराब। ये कौन सी नदी भैया? भाई कमेंट करें। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि काफ़ी बड़ी नदी है, कहते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक आती है। और ये बांध भी है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ का टोल गेट कितना बड़ा है। मुझे नेक्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है जो भैया ने दी। भैया नाम बता दीजिए। नाम सूरज है। सूरज भाई ने हमको लिफ्ट दी। कितने किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर लगभग। तो हमने 30 किलोमीटर तक छोड़ देंगे इसके बाद। गाइस तो मुझे नेक्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है और ये अंकल ने लिफ्ट दी। नाम बता दीजिए ना। नाम विश्वास अंकल ने हमको लिफ्ट दी है। ये देखो यहाँ के खेत, गाइस ये देखो हम खाना खा रहे हैं और हम 26 किलोमीटर बचा यहाँ से। ये अंकल ने खाना, एक अंकल मिल गए थे उन्होंने खाना खिलाया, भी उनसे मिल जाते हैं। तो मिर्च प्याज है, मिर्चा है, पापड़ है, सब्जी प्याज की आलू की सब्जी है, दाल चावल है। तो ये अभी खाने जा रहे हैं। तो अंकल ने पानी भी दिया है और अभी चलते हैं अंकल के पास। अभी मैं पेट भर दबा के खाया हूँ खाना, बहुत तेज भूख लगी थी। अभी चलते हैं अंकल के पास। गाइस ये अंकल ने हमको खाना खिलाया
और पानी की बोतल दी थी, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ अभी। तो गाइस 100 किलोमीटर बचा है दार्जिलिंग और मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ। तो अंकल ने मुझे खाना भी खिलाया प्लस पानी भी दिया। और अंकल जी मुझे भैया ने खाना भी खिलाया और 2 सब्सक्राइब भी मिल गए, तो है ना कमाल की बात। अभी देख लो मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, फिर भी बिना किसी से कहे बिना किसी की हेल्प लिए मुझे खाना भी खिला दिया और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया 2 लोगों से। और भैया ने उनको लिफ्ट दी। कितने किलोमीटर की होगी भैया? ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर। आपका नाम बताइए। परिमल रॉय। परिमल भैया का नाम है और हमको यहाँ तक छोड़ दिया भाई। खाना ज़बरदस्त। एक्सीलेटर लेना भाई जी। लीजिए ज़रा एक्सीलेटर लीजिए। एकदम देखो मैं पहुंच गया सिलीगुड़ी और अब मैं जा रहा हूं दार्जिलिंग। तो देखो मैं सिलीगुड़ी पहुंच गया, जा रहा हूं दार्जिलिंग। ऐसे कुछ नहीं जा रहा है गाइस। तो गुड इवनिंग, अभी मैं सिलीगुड़ी आ चुका हूं, तो अभी मैं जा रहा हूं दार्जिलिंग। ठीक है भाई साहब, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम। शुभम भाई मिले आप यहीं से? देखो गाइस हम 4000 फुट ऊपर हैं, पहाड़ों के ऊपर मार्केट है। ये ऐसी कुछ मार्केट है और ट्रेन भी चलती है यहाँ पे, है ना, एकदम ज़बरदस्त वाली बात। तो मैडम ने हमको 150 रुपये दिए हैं, हेल्प की है मैडम ने। देखो भाई साहब ने हमारी हेल्प की, हमको लिफ्ट दिया। भाई साहब नाम बता दीजिए। अनमोल सामा। भाई साहब का नाम है और यहीं के लोकल हैं। यहाँ से कम से कम अभी 35 किलोमीटर है और हम फुल पहाड़ में एडवेंचर से लाइफ के मज़े कर रहे हैं यार। अभी तो दिखाता हूँ पहाड़ी। शाम को 5 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे थे, यहाँ से 35 किलोमीटर है फुल पहाड़ी, इस पहाड़ में जा रहे हैं पहाड़ी रास्ते से। दार्जिलिंग में पहुंचने वाला हूँ, यहाँ से 8 किलोमीटर है और ये देखो स्टेशन है। तो नाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं साथ में। काफ़ी ठंडा है, सर्द हवाएं चल रही हैं यहाँ से। दार्जिलिंग मार्केट है ये, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वहीं से आपका फोर व्हील ड्राइव बुकिंग करके जाना।